करते हैं और यहाँ पे हमारे साथ फिरोज सर है और यहाँ हमारे साथ दुर्गेश सर है, मिलन सर। सो अभी हम लोग यहाँ पे केक रखा हुआ है और हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोग पूरा महीना बहुत तभी स्टूडेंट को दिया हुआ है, बहुत मेहनत की है और इसी के साथ की आगे लोग अपना कैरियर बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं और ये पकड़ लो जरा ये पकड़। ये कैमरा किधर? ये सीधे खड़े सीधा वहां खड़ा इसमें कैसे दिखाऊं? लाइव लाइव आई गेस सर तो यहाँ हम जमा हुए हैं कि आज हमारा एक लास्ट डेट है, फेयरवेल कहा जाता है इसको, ताकि हम इसको मना सकें। और जितने भी 30 हमने दूसरे या 28 दिन जितने भी हमने दूसरे के साथ दिए हैं, जो हम आते थे यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को हम बोलते थे, जितना भी हमने इंजॉय किया हुआ है ये चीज़ को कि रिमार्केबल बन जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने मुझसे, फिरोज सर से और दुर्गेश सर से और मिलन सर से आप लोग ने बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ पर और सीखने को मिला है यहाँ पर, ना कि वो कि जो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, कि वो कि आपको आगे लाइफ में आपको और प्रोग्रेस करने में मदद करे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? तो यही चीज़ है कि हम बिलीव करते हैं अपने स्टूडेंट को इस तरह से प्रोग्रेस करें, मोटिवेट करें, ताकि भविष्य में अगर आपको लगता है कि जिस दिन आपको लगेगा कि मैं हार रहा हूँ, जिस दिन आपको लगेगा, जिस वक्त आपको लगेगा कि यार आज भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये समझना कि वही आपका सही समय है, वही आपका सही समय है। क्योंकि जब आप कर रहे होंगे ना, तो समझो कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, क्योंकि जब तक आपको गलतियाँ महसूस नहीं होगी, मतलब आप समझोगे नहीं कि आपने क्या सीखना है आपको, क्योंकि अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ तो मैं परफेक्ट हो गया हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सो मिस्टेक करना बहुत जरूरी है, इसलिए मिस्टेक कैसे की जाती है? आज मैं 10 आईसी निकाल कर लगा लूं, नहीं होगी मिस्टेक, पर अगर मैं जब तक कोई नई चीज नहीं करूंगा तो मिस्टेक होगी। और हाँ, कई बहुत से लोग क्या होते हैं कि जैसे कल को आपके पास में जो आईएमसी कर रहे हैं स्टूडेंट, या आप लोगों के पास में, आप जब ईएमसी करोगे या आप लोगों के पास में अगर ऐसे कोई फोन आ जाता है जैसे Realme 3, अभी उसका ISP पिन आउट है क्या मिला? नहीं है अभी उसका ISP पिन आउट नहीं है, तो वो पेस्टेड आईसी है, ब्लैक पेस्टेड। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? या तो डर लगेगा यार, ये तो डर मेरे को डर गया यार, ये तो डेड हो जाएगा मोबाइल का। आपने देखते होंगे सर, हमारा बाजू वाला दुकान वाला वो डेड रिक्स देता है, डेड रिक्स मतलब विदाउट डेड रिक्स, कि वो लाता है और सीधे कर देता है। सर जो तो वैसे काम सीखना था, मैं तो ट्रेन होने आया ना आपके पास, वैसा की नहीं सीखा, सीखा है आपने पर आपको ट्रेन हुए अभी, परफेक्ट नहीं हुए ट्रेन, उसने वही काम कम से कम 50 बार किया हो और आपने वही काम अभी से 2 या 1 बार किया, तो क्या लगता है वो काम आपको कितनी बार करना चाहिए? 50 नहीं 100 बार कम से कम। समझ में आ रहा है? हम किसी को भी अगर अपना आइडल बनाते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा आइडल 8 बजे तक या 8 घंटे तक काम करता है, तो मेरा ड्यूटी ये है कि मैं 9 घंटे तक काम करूँ। मोहम्मद अली, जब मैं एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि जब मोहम्मद अली दुनिया का सबसे बड़ा बॉक्सर था, और जब वो उसे पूरा, जब वो पहले दिन जब वो फील्ड पे उतरा ना, तब वो मोहम्मद अली नहीं था, वो बिल्कुल नया आदमी था, कोई नहीं जानता था उसको। और जब वो पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप जब वो लड़ा, तो उसके साथ ऐसे ही एक वो साथ में खड़ा था और एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आज आपका ये चैंपियनशिप है, आपको क्या लगता है कि आप जीत पाएंगे? मोहम्मद अली पतला सूट था, ये भी नहीं था कि बहुत तगड़ा और 6 फुट का और लंबा चौड़ा मांस खाने वाला आदमी, इतना भी नहीं था, वो आप में और हम जैसे लोगों में से ही था। जबकि उसके साथ का अपॉइंटमेंट जो अपोनेंट था वो काफी तगड़ा आदमी था, मतलब मोहम्मद कोई भी देखता तो वो देखता कि मैं हार जाऊंगा, पर मोहम्मद अली ने सबसे पहले वो बोला कि मैं इसको तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दूंगा, तीसरे राउंड में ये आदमी नॉकआउट हो जाएगा और ये मैं, बेल्ट इसके पास है पर विनर मैं हूँ, उसने ये बोला था। तो पहली चीज ने 3-4 स्ट्रेटेजी की और उसने तीसरे राउंड पे ही नॉकआउट किया उसको। पहली चीज ये, उसके अपोनेंट जो था उसके दिमाग में घुस गई कि ये तीसरे राउंड में कुछ तो करेगा, तो वो डर बैठ गया सामने वाले के में। पहली चीज तो कॉन्फिडेंस रखो अपने काम में कि अगर मैं कर रहा हूं तो मैं कर लूंगा, अभी नहीं तो दूसरी बार, नहीं तो तीसरी बार मैं कर ही लूंगा। दूसरी चीज, मोहम्मद अली जब जीता ना, तो उन्होंने बोला कि सर आप जीत गए, आपको कैसा लग रहा है, आप इतने फेमस हो गए हैं, अब आप तो आपने जो कहा था वो आपने कर दिया है। तो मोहम्मद अली ने पता है क्या बोला कि जब ये मैंने इस अपोनेंट का, अपोनेंट जो था उनका था सामने का जो उनका था बंदा, वो बोला कि मैं इसके बारे में सब कुछ जानता था, ये कब प्रैक्टिस करता था कब नहीं करता था, जब ये प्रैक्टिस करना बंद करता था मैं तब भी प्रैक्टिस करता था, जब ये सोने के लिए घर चला जाता था मैं तब भी प्रैक्टिस करता था, इसलिए जब मैं 3 मुक्के, जब वो 2 मुक्के मारता था तब तक मेरे 4 मुक्के लग जाते थे, और यही कारण है कि आज मैं जीता हूँ।
तो ये पूरा की पूरा जो संदेश है ये किस पर जाता है? प्रैक्टिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। वर्ल्ड चैंपियन, एक आदमी वर्ल्ड चैंपियन तब बनता है, पहले से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनता, और वर्ल्ड चैंपियन को हरा कर चैंपियन बनता है। तो आपको लगता है आपके मार्केट में कोई ऐसा बनता है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो कोई अच्छा नहीं है, आप उससे ज्यादा अच्छा बन सकते हो। पर अभी आपको क्या करना पड़ेगा? जितना वो कर रहा है उससे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या बोलते, सही बोलते कि नहीं बोलते? चलो ठीक है, तो इसी के साथ में हम केक काटते हैं। आ जाओ भाई, इन लोगों ने हम बात करते हैं यहाँ पर। अब मैं अपने कुछ सर लोग की बात करना चाहता हूँ, उसके साथ में कुछ खास स्टूडेंट मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं यहाँ पर दुर्गेश सर, तो दुर्गेश क्या बोलते हो, दुर्गेश सर ने कैसा बनाया आपको? बहुत अच्छा बनाया। एक बार दुर्गेश सर के हेपे बोलने हो टीम पर, और बहुत मेहनत की है इन्होंने, बहुत काबिल आदमी है, और ये दिन रात इसी सोच में रहते हैं कि क्या कुछ नया सीखे और क्या आपको बताएं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये एशिया टेलीकॉम के साथ हैं, और मैं बहुत अपने आप को लकी फील करता हूँ इस मामले में। इसके साथ में बुलाना चाहूंगा तो अपने फिरोज सर को। क्या बोलते हो? जी सर, ऑसम सर, एक बार तालियां हो जाए। जी सर, फिरोज सर के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि मुझे इनसे सीखने को मिलता बहुत कुछ, ठीक है, और अगर मैं इनसे सीख रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है कि फिरोज सर बहुत टैलेंटेड है और अपने में ही संपूर्ण है। और अगर मैं बोलता हूँ कि परफेक्ट कोई नहीं है, पर फिरोज सर बहुत अच्छा, मतलब वो हमेशा परफेक्शन की ओर देखते हैं। इसके साथ मैं तीसरे बुलाना चाहूँगा हमारे मिलन सर, क्या बोलते हैं इनके लिए? टीएमसी वाले। चलो, तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये अगर ये खाना नहीं खा रहा है तो इसका रीजन ये है कि कुछ ना कुछ तो है जो ये मिस कर रहा है, और ये तब तक खाना नहीं खाता है जब तक वो चीज को पूरा ना कर दे। तो ये लगन है, और हमें इसी से सीखना है चीजों को कि हम बोलते हैं सर भूख लग रही है, हम बोलते हैं सर अभी नहीं मेरा सर दुख रहा है, नहीं बोलते सर मेरा दोस्त जा रहा है तो मैं भी चलता हूँ, अरे ठीक है सर कल परसों तो बच्चा ही हुआ है, ये नहीं देखते। तो आप देखिए कुछ ना कुछ हर एक में टैलेंट है, और आपने तीन लोगों आपने एक से नहीं पढ़ा, कम से कम यहाँ पे तीन चार लोगों से अलग अलग पढ़ा, अलग अलग टेक्निक देखी, जो कंपोनेंट जो सप्लाइयां मैंने बताई वही सप्लाइयां दुर्गेश सर ने बताई, वही अलग तरीके सप्लाइयां फिरोज सर ने बताई, अब वही आपको एएमसी में मिलन सर बताएंगे। हर आदमी का अपना एक टैलेंट होता है, तो ये आपके लिए काफी अच्छी बात है कि आप तीन लोगों का अलग अलग ट्रिके सीख रहे हो, ये भी नहीं है कि तीनों का एक जैसा है। क्या बोलते हो फिरोज सर, मेरा पढ़ाने का तरीका एक जैसा ही क्या? नहीं है, सब अलग अलग है। तो आपको भी पता चला कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से हम सीख रहे हैं आप, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और मैं क्या अब इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर, आप क्या कहना चाहेंगे एएमसी स्कूल के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगा प्रैक्टिस में परफेक्ट, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ तो सर की वजह से, सर को देख के मुझे लगता है कि मुझे करना है तो करना है। अगर कोई सेट नहीं बन रहा है तो किस लिए नहीं बन रहा है, रीजन क्या है, उसके पीछे भागना है मुझे। ओके, बस इतना ही। अरे तालियां बजाइए भाई। क्या कहना चाहेंगे हमारी हार्डवेयर स्टूडेंट है, जो सॉफ्टवेयर है, जो जिन्होंने आपको थ्रू आउट पहले दिन से सुबह 8 बजे जब आप लोग पहली बार आए थे तो फिरोज सर से ही मिले थे, तो क्या लगता है आपको कैसा रहा इनका साथ आपके साथ? बढ़िया सर, सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। बस एक ही चीज मैं यही बोलना चाहूंगा, जैसे कल सर ने 4 बजे रात को भी वीडियो डाला था, काम किया था, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको क्लास में भी दिया था, तो हमें उनसे ज्यादा सर से ज्यादा मेहनत करना है और प्रैक्टिस करना है और अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करना है। और जब भी आप काम करेंगे तो परफेक्शन के साथ करिए। जैसा मिलन सर रात के 10:30 बज रहे थे यहाँ पर रुक गए थे, आप लोगों को मालूम होगा, तो आप भी वो सेट ऑन करके ही गए, तो आप लोग ऐसा मतलब छोड़ दीजिए मत काम को, उस पर लगे रहिए जब तक ना हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बोलते हैं कि सर जो अच्छा, कौन लोग थे जिनको कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता था, तो हाथ उठाइए, जिनको कंप्यूटर भी नहीं आता था, मतलब बिल्कुल नवे थे, जो सॉफ्टवेयर में बिल्कुल नवे थे, वो हाथ उठाओ। जब कैमरा दिखा दो सब लोगों को, कैमरा सब लोग को दिखा दो, मतलब ये वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर की फील्ड में बिल्कुल न्यू बेबी है। तो अभी अब आप नीचे कर लीजिए, अब आप बताइए अगर आपके पास में एमडीए का फ्लैश आता है, एसपीडी का आता है, सैमसंग का आता है, क्वालकॉम का आता है, आईफोन आता है, या किसी भी प्रकार का फ्लैशिंग आपको आता है, तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब वही लोग कौन कौन कर सकते हैं, हाथ उठा के खड़े करो, जरा दिखाइए यहाँ पर सब लोगों को। तो यही चीज आप देख लीजिए कि कितनी तब्दीली है आपका।
जब हम पहले दिन आते हैं हम सोचते हैं कि सर इतना इतना हम सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते। जब आदमी में हुनर हो तो वो कुछ भी सिखा सकता है, और यही एक मेरे साथ में खड़ा हुआ है, तो इनसे पूछते हैं कि कैसा रहा इनका सफर आप लोगों के साथ। मैं बस एक ही चीज बोलूंगा आपसे कि शुरू मैंने एक चीज बोला था आपसे कि सॉफ्टवेयर कैसे होगी, कैसे होगी, कैसा हो रहा है सॉफ्टवेयर, बस यही चीज है। क्या बात है, और एक बात मैं बता दूं, उसके लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। हम ये सोचेंगे कि नए लोग थे बिल्कुल चुटकी में सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं। और चुटकी बजाने के लिए आपको ना वो बहुत हद तक मेहनत करनी पड़ेगी। सर ने अपना बहुत मेहनत की है और अपनी चीजों को बहुत आसान बनाया है। बहुत इंडिया में सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं पर तब भी लोग सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको या तो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा है या तो पूरी चीजें नहीं दिखाई जा रही है। तो यहीं पर ये बहुत अच्छा चीज आपको कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ रहा है। एक होता है टेक्नीशियन जो बहुत अच्छा कर सकता है, आप समझो, मैं एक आपको बात बताता हूं, अंतर समझो। दो तरह के लोग होते हैं इस फील्ड में, एक होता है टेक्नीशियन और एक होता है टीचर। टेक्नीशियन वो होता है जो जो जिसके सामने कुछ भी डला हो ना, 10 लेयर भी टूटी होगी वो बना लेगा, पर वो एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि कैसे बनाया, किस तरीके से, समझा नहीं पाएगा। वो कर तो सकता है पर समझा नहीं सकता। और टीचर क्या होता है? समझा सकता है पर कर भी सकता है, ऐसा नहीं, पर उस लेवल पे नहीं कर सकता। रीजन क्या होता है? क्योंकि टीचर को अपना पूरा टाइम अपने स्टूडेंट के साथ देना होता है, और वही समय वो टेक्नीशियन अपना पूरा टाइम कहाँ दे रहा है? सर्किट में प्रैक्टिस दे रहा है। जितना एक टेक्नीशियन प्रैक्टिस करता है उतना टीचर कभी नहीं कर पाता, ये बात सही है, पर जो समझाने की वो होती है वो कभी टेक्नीशियन में नहीं आती है। इसलिए जो भी स्टूडेंट होते हैं वो क्यों इंस्टीट्यूट आते हैं? आप भी क्यों इंस्टीट्यूट आए? आप क्यों नहीं किसी दुकान पर बैठे? तो यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो अपनी बात आगे रखना चाहता है। तो सबसे पहले किसको बुलाया जा रहा है, कौन आए यहाँ पर? आप आओ, क्या जाना चाहते हैं यहाँ पर, कैसा रहा, आप किसी के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हो, क्या सीखने को मिला यहाँ पर, थोड़ा बताइए। यहाँ पे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और दुर्गे साहब से तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिल गया सॉफ्टवेयर में। तो हम जाके आप उसका ओनर अपने सॉफ्टवेयर दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ताली दे दो यार इसको, और करते करते आएगा और करेंगे तो आएगा, क्या बोलते हो? जी सर, बहुत बढ़िया। एक और हमारे साथ में कौन स्टूडेंट है? आओ भाई, बरकत अली भी आएंगे ये, आओ भाई छोटे लाल। थ्रू आउट इन्होंने बहुत मेहनत की है, ये की नहीं की है। लोग बोलते हैं सर ये पहले से करते आ रहे हैं इसलिए ये अच्छा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप लोगों को बैटरी डाउन हो गई, मैं आपसे सर्किट बैटरी लो मांगता था तो सबसे पहले ये क्यों देता था? बैटरी लो, जब इसको सब कुछ आता है तो ये क्यों दे रहा है? एक बार क्यों नहीं सोची तब? आप जब आपको लग रहा था कि क्लास में बढ़ चढ़ के ये सबको बता रहा है तो इसको तो सब कुछ आता है, फिर भी ये सर्किट बनाकर अलग अलग वे में ये दे रहा है। पर जो नवे लोग हैं, आप लोग जो नए हैं, उसके बाद भी नहीं दे रहे, कहीं सोच